हेलो एवरीवन। सो आज जो हमारे पास पैकेज है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक पैकेज है और ये आया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट मिंट की तरफ से, ठीक है। सो इस पैकेज की यूनिक बात ये है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब इस पैकेज खोलूँगा। और इसकी देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मिंट की सील भी है, स्पेशली इन लोगों ने सील कर रखा है जो कि रबड़ सील है। इन पर इनका जो है जो आप मार्क कह सकते हैं वो भी मेंशन है, एकदम साफ दिख रहा है। और ये सील जो है थ्रू आउट द पैकेज आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली की गई है, ठीक। तो आप जल्दी से इसे खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सील ब्रेक करते हैं। ओके, तो ये सील हटा दी हमने। अब हम ब्रेक करेंगे जो इसका पैकेज का इधर वाला सील है, इसको खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है निकलता है। एक्साइटमेंट के साथ इसे मैं खोल रहा हूँ और हम अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो एक और प्रॉपरली पैकेज कर रखा है इन लोगों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। टंटणान। सो ये जो है स्मारक सिक्का है, कॉमोरेटिव कॉइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। और ये 25th रजत जयंती यानी कि 25th सिल्वर जुबली ऑफ श्री माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बना था, नॉट टेम्पल, इट्स अबाउट जो श्राइन जिसकी देख रेख करता है, उसके 25वीं वर्षगांठ पे बनाया गया सिक्का है। देख सकते हैं कितनी सुंदर जो है दुर्गा माता की मूर्ति उकेरी गई है पोस्टर के ऊपर। और आपको मैं बता दूं ये UNC डबल कॉइन है, यानी कि ये UNC है और डबल कॉइन यानी कि इसके अंदर दो कॉइन है, ठीक है। ये प्रूफ सेट नहीं है, UNC सेट है। ओके, तो देखते हैं अंदर क्या है। ये पैकेज हमने हटा दिया, सेम टाइप की प्रिंटिंग अंदर भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ही सुंदर लग रहा है, इसका कलर भी बड़ा ही यूनिक सा है, सुंदर सा है। अब हम कॉइन को देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कॉइन, आप ये जो है आपका 25 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। 25 रुपीज़ का कॉइन, एक जो है आपका नॉर्मल सर्कुलेशन वाला कॉइन है, लेकिन ये जो देख सकते हैं आप, ये उससे कई गुना अच्छा प्रिंट का कॉइन है। और दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हैं आप, कई गुना अच्छा प्रिंट का कॉइन है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी किसी के हैंड में नहीं गया हुआ, ये प्रिंट पूरा पैक्ड है, ठीक है। तो अब इस सिक्के के पीछे देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पास से देख सकते हैं इसको, 25 लिखा हुआ है, आपका अशोक एम्बलम बना हुआ है, ठीक है, इंडिया और भारत। पीछे देखते हैं, ये देखिए जो इसकी ब्यूटी है वो पीछे की तरफ है। ये माता वैष्णो जी का जो है प्रॉपर मूर्ति बनाई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। 2012 का कॉइन दिखा रहा है ये, 2012 का है क्योंकि 25वीं वर्षगांठ जो है 2012 में ही हुई थी इनकी। और ये लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, यहाँ पर भी लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और सेम जो ये है, ये 5 रुपये के कॉइन में भी इन्होंने वही चीज़ बना रखी है। आप देख सकते हैं 5 रुपये के कॉइन है और इसमें बहुत ही यूनिक, ये असल में सिल्वर कॉइन है, इसे हम सिल्वर कॉइन कह सकते हैं। ऑल्दो ये 4 मेटल से बना हुआ है, सिल्वर, कॉपर, निकल और जिंक, जिसमें सिल्वर 50% है, तो जनरली हम सिल्वर कॉइन ही बोलते हैं। डायमीटर इसका 44 मिलीमीटर है और वेट जो है 35 ग्राम्स है। और जो इसके जैसे जो सिक्के के साइड में जो सर्कमफ्रेंस में निशान बने होते हैं वो 200 नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर कॉइन है। आप देख सकते हैं सिल्वर जुबली लिखा हुआ है, 2012 का कॉइन। और ये देखिए आप जो है, ये आपका जो हैदराबाद मिंट है उसका लोगो भी नीचे दिख रहा है, स्टार मार्क, ठीक है। ये हैदराबाद मिंट प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इवन ये पैकेज पर भी लिखा हुआ है कि ये जो है किस कहाँ से आया हुआ है। ये पैकेज जो है आपका आया हुआ है हैदराबाद मिंट की तरफ से, हैदराबाद, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे 9 देवियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कात्यायनी देवी, और ये है कालरात्रि, महागौरी, और ये है सिद्धदात्री, ठीक है। ये 9 देवियों के नाम के साथ बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये श्राइन बोर्ड के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है।
सॉरी, ये तो जो भारत का जो गवर्नमेंट मिंट है उसके बारे में लिखा हुआ है, हैदराबाद मिंट के बारे में, ठीक है, उसकी स्टोरी है ये यहाँ पे। और ये देखिए वैष्णो देवी मंदिर कटरा के बारे में पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या है कैसे है, ठीक है। ये जो है बहुत ही सुंदर टेम्पल है और उसी के को डेडिकेट करता हुआ ये कॉइन है जो कि आप देख सकते हैं, 5 रुपये कॉइन, ये 25 रुपये का कॉइन। 25 रुपये का कॉइन नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन है, ये आपका जो है सर्कुलेशन में नहीं रहता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉइन। और ये जो है आप यूज़ नहीं कर सकते ये, और इसकी कॉस्ट जो होती है वो ओरिजिनल कॉस्ट जो 25 रुपये से कई गुना ज़्यादा होती है, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, बट इट्स अ वेरी यूनिक कॉइन, 25 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में मिलेंगे आपसे, कुछ समथिंग यूनिक अनबॉक्सिंग में, यहाँ पर हम कुछ और यूनिक अनबॉक्स कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू ऑल।